आपकी खबर चल रही है कि चुनाव लड़ने का लोकसभा वाराणसी भोपाल झांसी। आपने बिल्कुल सही सुना है, हमने तीन जगह से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। एक भोपाल है जो हमारी कर्म स्थली है, दूसरा झांसी है जो हमारी जन्म स्थली है, और एक वाराणसी है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी है, इसलिए वो हमारी प्रेरणा स्थली है। और इस पूरे निर्णय के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि आम जनता को जगाना, और यदि आम जनता जाग गई तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। अच्छा सर, निर्दलीय लड़ेंगे तो कोई पार्टी सिंबल पे है? क्राइम फ्री भारत मिशन समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार। अच्छा, क्राइम फ्री भारत मिशन समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार। क्राइम फ्री भारत समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार, करेक्ट जी जी, ठीक है सर, ठीक है। तो आप बताइए कि जो है आपको अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है कि नहीं देना है? नहीं, तो फिर एक साधारण सी चीज बता रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए, अपने जो है ना परिवार के लोगों को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, और 10-10 लोगों को जोड़ने का जो 9 दिन का यदि संकल्प पूरा कर दोगे तो 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। ये 100 करोड़ छत पर चढ़कर 543 निर्दलियों को, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा समर्थित होंगे, उनको जिताकर एक भी राजनीतिक पार्टी का एक भी राजनेता नहीं जीतेगा। हम क्यों ऐसी डेमोक्रेसी में जी रहे हैं जो डेमोक्रेसी है ही नहीं? डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इज इट डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट बाय द पार्टी फॉर द पार्टी ऑफ द पार्टी? आई फील कि वी आर लिविंग इन गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी बाय द पार्टी फॉर द पार्टी। यहाँ आदमी कहीं है ही नहीं। ये बताओ, ये राजनेता कितने दुष्ट हैं, ये राजनीतिक पार्टी कितने दुष्ट हैं कि इन्हें 140 करोड़ जनता में अच्छे लोग ही नहीं मिलते हैं। इस अभी जो पार्लियामेंट कंप्लीट हो रहा है, इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, 29% ब्रिजभूषण जैसे हत्या डकैती लूट किडनैपिंग के अपराधी हैं। इतनी निर्लज्जता की बात है। ठीक बात है। ये अपराधियों को टिकट देते हैं और अपराधी अपराध घटित करते हुए जीतते हैं। ये बताइए, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना आज के कानून में अपराध है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। तो एक अपराधी अपराध करके जीत रहा है और हम विद्वान चुप हैं। हम क्यों नहीं जाग रहे हैं जब हम आपको गुलामों के नियम कानून से जो है ना आजादी दिला रहे हैं, जब हम उसकी आत्मा बदल रहे हैं, जो लाटसाबी व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए बनाई थी, वह एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों पर क्यों लागू है भाई? क्यों लागू है? ये प्रश्न आप अपने आप से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? और जब हम आपको पैरेलल में कह रहे हैं कि आपको ऐसा अद्भुत भारत मिल जाएगा कि बिना थाना जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, क्राइम फ्री भारत का जो नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, उसकी सहायता से आज की पुलिस जिन साक्ष्यों को देख भी नहीं पा रही है, सोच भी नहीं पा रही है, इकट्ठा भी नहीं कर पा रही है, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे और अधिकतम 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। अधिकतम 15 दिन में। आप अभी जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं, फिर बिना कोर्ट कचहरी जाए वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको 3 दिन से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। जब ऐसा अद्भुत सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है तो भाई साहब हमारे देशवासियों को क्यों नहीं मिल रहा है? ये अपराधी हमारे देशवासियों के ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं? कौन अच्छा है? आप ये बताइए, भोपाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अजीत पवार एक बेकार है, ये काम किया, ये घपले किए, घपले किए, जेल में सड़ेगा। वही व्यक्ति 2 दिन बाद जो है उसके सब पाप धुल जाते हैं और वो महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या नहीं, उसको नेता कह के जस्टिफाई मत करिए, नेता का भी चरित्र होना चाहिए।
इसलिए हम कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त राजनीति नहीं करेंगे, राष्ट्रनीति करेंगे। ये बताइए कि क्या बीजेपी ने गंगा नदी की बहा दी है कि जितने दुष्ट और पापी आए उसमें डुबकी लगाएं और उनका सब पाप धुल जाएगा? आप मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कुछ नहीं कहना चाहते इस बारे में, क्या कह रहे हैं, मौजूदा स्थिति हम देख तो रहे हैं देश की, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं नहीं, लेकिन लेकिन जब मैथिली शरण गुप्त आपको विकल्प दे रहे हैं तो एक क्राइम फ्री भारत का जो है ऐप को डाउनलोड करके अपने लोगों को जोड़कर 9 दिन में 100 करोड़ होकर स्वयं जो है ना विधायक सांसद मंत्री बनते हुए और पूरी व्यवस्था बदलने की जो जब आपको ऑप्शन मिल रहा है तो अब क्या दिक्कत है आपकी? नहीं करते हैं सर, आपके ऐप डाउनलोड करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों को बताइए और खुद क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करिए, हमारे जितने भी वीडियोज आपके पास पहुंच रहे हैं उसमें सब में ये लिंक है। जी ठीक है ना सर। सर आपके बैच कौन से सर आईपीएस में? मैं 1984 बैच का अधिकारी हूँ, 7 साल तक जो है डीजीपी के पद पर रहा हूँ। मैं डीजी रेलवे, डीजी होमगार्ड, सिविल डिफेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और डीजी पुलिस रिफॉर्म रहा हूँ, 7 साल के लंबे समय तक रहा हूँ। मैं डीआईजी गढ़वाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर, गढ़वाल बॉर्डर पर, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पर भी जो है का डीआईजी रहा हूँ और आईजी ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। कश्मीर? यस, कश्मीर की समस्या के में बहुत आमूलचूल कार्रवाई की गई है, कभी मौके पे आपको सुनाएंगे। जी 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 सर, ठीक है सर। चलिए तो अमेरिका के वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।